सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। प्रियंगुकलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। परम प्रिय मित्रों, दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, हर सप्ताह हम आपको आपके राशि के अनुसार ग्रह गोचर की स्थितियां साथ में उचित मार्गदर्शन करने का पूर्ण प्रयास करते हैं और साथ साथ में हम आपको यह भी जानकारी प्रदान करते हैं कि इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्यौहार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी तिथियाँ इस सप्ताह पड़ने वाली हैं। तो आप सभी ध्यान से सुने और व्रत, पर्व और त्यौहार के बारे में भी आप अच्छी जानकारी प्राप्त करें। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं राशि के बारे में। इसमें सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपको थोड़ा सा सांसारिक विषय वस्तुओं से त्याग होगा, उससे आप मोह माया से थोड़ी आप दूरी बनाएंगे। आध्यात्मिकता की तरफ आपका इस समय झुकाव, आपका लगाव इस समय बढ़ेगा। आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय आप गूढ़ विद्या प्राप्त करने का भी प्रयत्न करेंगे। आपको इस समय धार्मिक विषय वस्तुओं में काफ़ी रुचि आपकी बढ़ेगी। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठकर होगा। आप माँ भगवती को प्रसन्न कीजिए, माँ भगवती के लिए लाल चुनरी अर्पण कीजिए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। बात करेंगे हम वृषभ राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह घर में सुख शांति का अच्छा वातावरण माहौल बनेगा। आप पूरा परिवार आपका एकजुट होकर के आप कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य में शीघ्र ही आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको इस सप्ताह कहीं यात्रा या तीर्थ दर्शन के ऐसे योग बनेंगे। सप्ताह आपके लिए भी काफ़ी श्रेष्ठकर होगा। आप माँ भगवती की आराधना करेंगे, माँ भगवती का पूजन करेंगे, उनको अच्छी अच्छी वस्तुएं आप अर्पण करेंगे, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपके रुके हुए कार्यों में कोई भी यदि विघ्न बाधा आ रही थी तो वह भी इस सप्ताह आपकी पूर्ण होगी। कार्य आपके पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा, स्वास्थ्य के प्रति आपका अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ भी इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा। यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप माँ भगवती को बिल्व पत्र यदि अर्पण करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपकी चिंताएं थोड़ी प्रबल हो सकती हैं। किसी बात को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। नए कार्य के आरंभ में भी आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप धैर्य से काम लें और व्यर्थ फर्जूली खर्चे से आपको बचना होगा। धैर्यपूर्वक आप कार्य करें, सोच विचार करके कार्य करें, निश्चित ही सफलताएँ प्राप्त होंगी। आप माँ भगवती को श्रृंगार सामग्री अर्पण करें, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ी सी आपके मन में नकारात्मक भावनाएं आ सकती हैं, नकारात्मक विचार आप पर हावी हो सकते हैं, इसलिए उनसे आपको दूरी बनाना होगा। परिवार में आपको सभी का सम्मान करना होगा और सभी सदस्यों को साथ लेकर के चलना होगा। आप कोई बड़े कार्य यदि करने जा रहे हैं तो उसमें पूर्णतया सावधानीपूर्वक आप कार्य करें, तब आपको जाकर के सफलताएं मिलने वाली हैं। आप भगवती महालक्ष्मी को आप अनार यदि अर्पण करेंगे, उस समय अनार का भोग लगाएंगे भगवती का, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में काफ़ी सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। कार्यक्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रतिस्पर्धा यदि कोई होती है सप्ताह तो उसमें भी आपको विजयश्री की प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपके जो साथी हैं, साथी संबंधी मित्र हैं, उनसे आपके सप्ताह संबंध में काफ़ी मधुरता आएगी। आपके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भगवती दुर्गा को आप पान और सुपारी साथ में यदि अर्पण करेंगे, इससे आप पूजा करेंगे भगवती की, तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपको किसी बात को लेकर के जिद नहीं करना होगा, एक ही बात पर आपको अड़ना नहीं होगा, दूसरे की बात को भी समझना होगा और उससे भी उसकी भावनाएं और उनकी बातों को भी अपने समक्ष उसको सुने और उस पर विचार करके आपको आगे बढ़ना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके आपको कार्य करना होगा तो निश्चित ही सफलताएँ प्राप्त होंगी। आप भगवती की गुड़हल के फूल से आप पूजा कीजिए, भगवती का अर्चन कीजिए, उन्हें माला पहनाइए, निश्चित ही आपका कल्याण होगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह आप आदर्श मार्ग पर चलने वाले बनेंगे, आप अच्छे रास्ते अपनाएंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी व्यस्तता हो सकती है। सप्ताह आप समाज के कल्याण के लिए काफ़ी अच्छे कार्य करेंगे, परिवार में आनंद का माहौल रहेगा, आपके कृत्यों से सभी संतुष्ट और सभी प्रसन्न होंगे। आप भगवती माँ को नारियल अर्पण कीजिए, नारियल अर्पण करने से निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम धनुराशि की। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह आपको किसी से व्यवहार के प्रति, आप किसी में किसी के व्यवहार से आप व्यथित हो सकते हैं, आपको कष्ट पहुंच सकता है, स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा स्वास्थ्य के प्रति। आप यदि न्यायालय इत्यादि कोई आपका चर्चा चल रहा है, कोई बात चल रही है, तो उसमें आपको पूर्ण सावधानी से कार्य करना होगा। यह सप्ताह थोड़ा सा आपके लिए सामान्य रहेगा। आप भगवती कालिका के पूजन कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपको नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, इस सप्ताह आपको अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे, शिक्षा क्षेत्र में भी आप अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे, वैवाहिक जीवन में भी आपके पारिवारिक जीवन में भी काफ़ी मधुरताएं बनी रहेंगी। इस सप्ताह आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। आप माँ भगवती की कनेर के पुष्पों से यदि आराधना करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले के जातकों के लिए सप्ताह आप यदि कोई नए वाहन मोटर इत्यादि खरीदने का कोई विचार चल रहा है तो निश्चित ही वह इस सप्ताह सफल होने वाला है, इस सप्ताह ऐसे योग बनेंगे, आप ऋणों से भी मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह यदि कोई ऋण आपके ऊपर कर्जा है तो उसे भी चुकाने का अच्छा योग बनेगा, आप परिस्थिति आपके अनुकूल होगी और बड़ों का, घर में बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। आप भगवती माँ भगवती दुर्गा की आराधना करेंगे, यदि आप थोड़ा सा मधु अर्पण करेंगे भगवती को तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपके सकारात्मक विचार होंगे, आप दूसरों के प्रति जीने के लिए सोचेंगे, दूसरों की आप मदद करेंगे, आप सामाजिक कार्यों में आप हाथ बटाएंगे, आप परिवार आपके प्रति काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका पूर्ण सहयोग करेगा, यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। आप इस सप्ताह अच्छी सफलताएं प्राप्त करेंगे, आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आप यदि भगवती माँ दुर्गा को पीली सुपाड़ी अर्पण करेंगे तो आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप सभी 12 राशि के लोग माँ भगवती की अर्चना करेंगे, नवरात्र का समय होगा, इस समय आप सभी माँ भगवती की पूजा करेंगे, आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इस सप्ताह कौन कौन से व्रत पर्व और त्यौहार पड़ने वाले हैं। तो इस सप्ताह सर्वप्रथम आप 25 तारीख को पड़ेगा सोमवार, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा और पंचमी तिथि होगी उस दिन। मंगलवार को 26 तारीख को, उस दिन षष्ठी होगी, और 27 तारीख बुधवार को सप्तमी पड़ेगी और अन्नपूर्णा माँ की परिक्रमा भी उस दिन प्रारंभ होगी। शाम को 5:25 से, सायंकालीन 5:25 से माँ अन्नपूर्णा की परिक्रमा आप प्रारंभ कर सकते हैं। गुरुवार 28 तारीख से महाअष्टमी का व्रत होगा और अन्नपूर्णा माँ की परिक्रमा शाम 7:25 तक आप कर सकते हैं। शुक्रवार 29 तारीख को श्री महानवमी होगी, महानवमी का व्रत होगा और हवन इत्यादि भी उस दिन किए जाएंगे, घर में पारण और कन्या पूजन आदि भी उस दिन संपन्न होंगे। शनिवार 30 तारीख को दुर्गा विसर्जन का कार्य होगा, विजयदशमी होगी और अपराजिता पूजा होगा, शस्त्र पूजा का भी उस दिन विधान है, यथायोग्य आचार्य से मिलकर के आप मार्गदर्शन प्राप्त करें। रविवार 1:10
2017 को पापांकुशा एकादशी का व्रत होगा। सभी व्रतों में उत्तम एकादशी का व्रत होगा, तो आशा करते हैं आप सभी उस दिन एकादशी का व्रत भी करें। तो इस प्रकार ये रहे आपके इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्यौहार। आशा करते हैं कि आप सभी इस प्रकार से परमात्मा की कृपा से आप सभी भगवान का पूजन और आराधन करेंगे और माँ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी। पुनः मित्रों अगले सप्ताह मिलेंगे, तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नारायण, जय माँ।